खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी से बेस्ड है। 26/11 जो मुंबई में हुआ था उसके बेस पे ये कहानी लिखी गई थी, और कसाब जो है वो सेंट्रल करेक्टर था कि अगर कसाब के हाथों किसी ऐसे पुलिस वाले की बच्ची मर जाती या बच्चा मर जाता या परिवार का सदस्य जो उसको जेल में खाना सर्व करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की ड्यूटी तो उसको सर्व करने की होती है, अगर उसी बंदे का कोई अपना अगर मर जाता है तो वो किस तरीके से और किस ट्रॉमा में काम करता है या क्या होता है उसका, उस तरह का ताना बाना है। जब कसाब को फांसी हो गई तो वो स्क्रिप्ट हमारी जो है ठंडे बस्ते में चली गई। फिर इसको हमने जब उनको एक प्रोड्यूसर मिले तो हमने इसको छत्तीसगढ़ बेस्ड बनाया, और क्योंकि वहाँ पे नक्सलाइट एक बेल्ट है तो उसको थोड़ा नक्सलाइट बेस्ड उस फिल्म को हम लोगों ने किया। देखिए, इस कैरेक्टर की खूबी यही है कि इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। एक सज्जन जेल का प्रहरी, ठीक ठाक से ज़िंदगी बिताने वाला, बेटी से प्यार करने वाला, अपने परिवार को पालने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में जब एक इस तरह का हादसा हो जाता है कि एक नक्सल अटैक में उसकी बेटी की मौत हो जाती है, उसके बाद एक ख़ास तरह का परिवर्तन आना नेचुरल है। वो शौक से गुज़रता है, वो दुख से गुज़रता है, वो तकलीफ़ से गुज़रता है, और फिर सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो उसके जीवन में ये आती है कि जिस जेल में वो नौकरी कर रहा है उसी जेल में उसकी बेटी की हत्या करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को इसे खाना देना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। यहीं से इस चरित्र के अंदर एक नया द्वंद्व शुरू होता है जो फिल्म का सेकंड हाफ है। और इस चरित्र में इतने सारे कॉन्ट्रास्ट, इतने सारे रंग अलग अलग तरह के, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी, करण ने जब मुझे स्क्रिप्ट दी थी, तो मैंने कहा कि मैं इसे करना चाहूँगा। करण जी से थोड़ा पुराना परिचय था, और जिस समय फिल्म फ्लोर पे जाने वाली थी उसके कुछ दिन पहले बात हुई उनसे। उन्होंने बताया, हमारे एक मित्र हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं अमानो जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि अभिषेक पांडे हैं, ठीक ठाक सा काम कर लेते हैं तो शायद वो अच्छे लगेंगे। करण जी से मीटिंग हुई, बातचीत शुरू हुई, करण जी को लगा कि हाँ ये कर सकते हैं, शुरू किया। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ा, थोड़ा वर्कआउट किया, थोड़ा काम किया, सोचा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि 20 साल का थिएटर का अपनी एक यात्रा रही है, तो इसलिए उस किरदार को थोड़ा पकड़ा, जितनी कोशिश कर सका उतनी मेहनत किया। लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है, मैं ललित जी के काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ललित जी ने जो काम किया है, ललित जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं ललित जी को मतलब जितना उनसे सीख पाया और उनको उनके साथ काम कर पाया। शीतल डिमरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अभिषेक पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है, और काफ़ी छत्तीसगढ़ के काफ़ी एक्टर्स लोगों का भी ठीक ठाक योगदान रहा है इस फिल्म में। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक इंटरव्यू में कि ये मेरी ज़िंदगी की ऐसी फिल्म है, या यूँ कहूँ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें शूटिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं आई। जनरली शूटिंग्स में मुश्किलें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, कई बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में क्लैश होता है, डायरेक्टर जैसा चाहता है प्रोड्यूसर वैसा दे नहीं पाता, यहाँ बहुत सारे मसले होंगे, लेकिन हम एक्टर्स तक कोई भी मसला सामने नहीं आया। इस फिल्म की शूटिंग की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि सुबह 8:30 से लेकर रात के 10 बजे तक कितना सहज और आसानी से काम होते गया, ये अपने आप में एक काबिल-ए-तारीफ बात है।
पूरी फिल्म इसलिए यादगार है क्योंकि सारे दोस्त थे, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन वाले, ये सब एक तरह से दोस्तों की फिल्म थी। तो मतलब ये एक पिकनिक जैसा था हम लोगों के लिए, जो 17-18 दिन हमने शूट किया, चाहे वो जंगल में शूट किया हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में शूट किया हो, जेल के अंदर जो शूट किया, ये एक पिकनिक जैसा शूट था। कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि अरे हम कहीं शूटिंग में जा रहे हैं। एक्चुअली रीड तो करते ही हैं और आजकल तो वेल बाउंड स्क्रिप्ट ही मिलती हैं। ये स्क्रिप्ट भी वेल बाउंड थी, पूरी डिटेल स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पढ़ने के बाद ही मैंने हाँ बोला। और इस तैयारी के साथ ही मैं शूटिंग में गया कि इस चरित्र के साथ जस्टिस कर सकूँ, इसकी आत्मा को जी सकूँ। मैंने काफ़ी मानसिक रूप से इसकी तैयारी भी की। ये आपको अभी पता चलेगा, देखिए आप आगे फिल्म देखिए कि ये व्यक्ति जो एक सरल हृदय सज्जन व्यक्ति है, ये कैसे अपने दिल को, अपने मन को मजबूत करता है, कठोर करता है एक बड़े काम के लिए। वो बड़ा काम क्या है? जिस व्यक्ति ने उसकी बेटी की हत्या की है, उस व्यक्ति की हत्या करना। जीवन में हत्या करना इतना आसान नहीं है। हम लोग हत्या करने के भाव से मन ही मन गुजरते हैं, लेकिन अगर आप सच में हत्या करने के प्रोसेस से गुजरेंगे तो बगैर मन को कठोर किए ये काम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैं जब शूटिंग के लिए वहाँ पे था और वहाँ पे मैंने लोगों से बात की, सच बताऊँ मुझे एक दो पुलिस वालों से भी मेरी वहाँ पे बात हुई कि जो नक्सलाइट्स हैं वो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली ये ऐसा होता है कि वो मतलब कुछ तो ऐसे सनकी होते हैं कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, पर लेकिन वो मार देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये करके मैं अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मैं थोड़ा कुछ ऐसा करूँगा, क्योंकि अब सबको लगता है कि मैं लाइमलाइट में आऊँ तो कुछ अच्छा करूँ या बुरा करूँ, लेकिन कुछ करूँ ताकि मैं थोड़ा खबरों में बना रहूँ, टीवी में बना रहूँ, समाचार पत्र में बना रहूँ। बस ऐसा ही एक किरदार है जो चाहता था कि बस मैं मारूँ, किसी को भी मार दूं, मेले में थोड़ा सा हुड़दंग कर दूं तो सरकार तक मेरी बात पहुंच जाए कि हाँ मैं भी एक कोई बड़ा नक्सलवादी नेता लीडर हूं। ऐसा है, 125 से 150 के आसपास प्लानिंग है कि हम इतने थिएटर्स में जाएंगे और हम लोग MP में रिलीज़ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसलिए मेन है क्योंकि ये फिल्म वहाँ शूट हुई है और कहीं ना कहीं वहाँ का बैकड्रॉप है। छत्तीसगढ़ में रिलीज़ कर रहे हैं, दिल्ली रिलीज़ कर रहे हैं, आसाम रिलीज़ कर रहे हैं और हैदराबाद और निज़ाम में हम लोग इस फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनी है और पूरी फिल्म छत्तीसगढ़ में शूट हुई है। तो शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट या शूटिंग के दौरान कोई आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे सारे नए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है, छत्तीसगढ़ में एक इंडस्ट्री है जो वहाँ पे काम करती है, तो हमको एक अच्छी यूनिट मिली और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और जो हमारा 22 दिन का शेड्यूल था वो 15 और 16 दिन में हमारा काम खत्म हो गया, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, बहुत स्मूथ काम हुआ हमारा। और फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, जब आप कोई काम करते हो और जब लोग पसंद करते हैं तो जी क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब आपका काम अप्रिशिएट किया जाता है, और क्योंकि आप कई बार फिल्म को देखते हो तो आपको लूप होल्स साफ दिखाई देते हैं, और अगर कोई पहली बार देख रहा है उसको वो लूप होल्स नज़र नहीं आते तो बहुत खुशी होती है कि यार उसको वो चीज़ नहीं दिख रही जो मैं कई बार देख रहा हूँ और मुझे लगता है यार ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, ये चीज़ें सुधर सकती थी, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक खुशी तो मिलती है।